देखिए, अब यहां से जो क्वेश्चन कराने आ रहा है आपको वो यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस है, यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस। तो यहां पे आप नंबरिंग काटिएगा, नंबरिंग कितना 39 नंबर, ये साथ साथ ये भी लिख लीजिएगा सी यू एग्जाम 2018। ये 2018 का क्वेश्चन है जो आपको अभी हम कराने आ रहे हैं, लॉग 4 टू द पावर एक्स। तो अभी हम लोग बाबू बात नहीं, बार बार देखिए आप, अभी अभी मेरा सॉफ्ट वे देखिए, आप हार्ड वे देखो, हम क्लास से बाहर कर देंगे आपको, पहले बता दे रहे। इरिटेट मत करिए, अभी इरिटेटिंग लग रहा। देखिए लॉग 4 टू द पावर एक्स प्लस, इरिटेट मत करिए ना क्लास में, लॉग, दो तीन गर्ल्स खाली बात कर रहे हैं, बॉयज तो बात भी नहीं कर रहा। ये बैच एक्चुअली गर्ल्स डोमिनेटिंग बैच है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या बाबू, एक्स। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आज इस पार्ट में। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आए वही हम लोग सॉल्व करें। सीयू एग्जाम 2018 का मैं ये क्वेश्चन आया था कि लॉग 4 का पावर एक्स है, लॉग 2 का पावर एक्स है, इक्वल टू 6 है, तो बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा। चलिए बनाते हैं, देखिएगा, रेडी। अभी अभी जितना क्वेश्चन करेंगे हम लोग सब यूनिवर्सिटी एग्जाम वाला क्वेश्चन करेंगे। चलो आ जाओ बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आपको मैंने सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन लास्ट डे सिखाया था और टेस्ट में भी दिया था, 11 या 21 समथिंग था वो वाला। देखिए किसके कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन लाइक दिस लॉग, और जैसे ऐसे लिखेंगे तो इसका पावर बेस क्या हो जाएगा, चेंज होगा ना जी, और 1 बाय लॉग 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 6। याद आ रहा, लास्ट डे भी सम्स के देखते, देखना कॉपी में ऐसा होगा। उसके बाद इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई 1 बाय लॉग, अच्छा अच्छा क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू। अच्छा आप देखिए यहां पर 2 का पावर क्या होगा, 2 1 by log x square, क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं बोलो, हाँ कि नहीं, देखते जाओ ऐसा वाला पूरा क्या आए थे, बस खाली हम सब सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा इट कैन बी रिटन लाइक दिस, कैसे लिख सकते हैं बताओ, 2 log x square, अभी सिर्फ आप बोलोगे क्योंकि आप यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, इक्वल टू कितना बच्चों, 6। अच्छा इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं बताइए, 1 log x square ले सकते हैं ना कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 by 2 plus 1 by 1, 1 by 1 कैसे बचेगा, सब चला गया तो एक ही ना बचा। उसके बाद 1 by log x square equal to क्या होगा, LCM ले लेंगे, हाँ कि नहीं, 1 plus 2 क्या बोलते हो, हाँ कि नहीं। उसके बाद थोड़ा इधर लिखते हैं क्योंकि बच्चों को दिखेगा नहीं फिर। अच्छा 1 by log x square into थोड़ा expand कर, 3 by 2 equal to 6, कुछ भी हम बता नहीं रहे इसमें क्योंकि हमें समझाया हुआ पूरा, बस इसको सॉल्व करें बच्चों, equal to 6 into क्या होगा बताइए, 2 by 3, हाँ कि नहीं बच्चों, 1 by log x square equal to क्या बताइए, 4। और आपको उस दिन क्या पढ़ाई थी, अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको तो उस फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब याद करिए लास्ट डे सेम सम्स के थे, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस, log 2 टू द पावर x equal to 4, हाँ कि नहीं। और फर्स्ट क्लास में आपको सिखाए थे सॉल्व करना कैसे, 2 का पावर 4 इक्वल टू x, 2 का पावर 4 कितना आएगा बताइए, बन गया सम्स 16 होगा ना। इस सम्स में कुछ भी नया नहीं था क्योंकि लास्ट डे हम लोग बिल्कुल ऐसे ही सम्स किए थे, आप कॉपी में देखिए 27 से 28 नंबर में होगा, उतारिए। कॉपी दी तू जला, कॉपी दी ना, फिर कॉपी है ना, लास्ट लास्ट नहीं है बोलो, हाँ क्वेश्चन नंबर आप लोगों का बैच में 31 क्वेश्चन, 31 नंबर सम्स पूरा सेम था, 31 नंबर सम्स पूरा सेम था बच्चों।
अब हो जाए तो बताइएगा, पक्का ना? चलिए देखिए, ये 2018 एग्जाम में सीयू वाले लोग दिए थे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, साइलेंट कर लीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 40, बाबा कितना मैसेज आ रहा है। सीयू एग्जाम 2019, अब 19 वाला क्वेश्चन लिख रहा। क्वेश्चन था कुछ ऐसा, log 25 टू द पावर x इक्वल टू माइनस हाफ, फाइंड x, फाइंड x, log 25 पावर है x इक्वल टू हाफ, फाइंड अगर ये x माइनस में, जी ज्यादा बड़ा माइनस हो गया ना, लीजिए छोटा सा माइनस हाफ। चले वो उतार ले क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सब टाइप हम लोग का किया हुआ पहले भी, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 25 माइनस हाफ इक्वल टू क्या होगा बोलिए, x, हाँ कि नहीं? ऐसे फॉर्मेट एकदम फर्स्ट क्लास में ऐसे सिखाए थे। उसके बाद इट कैन बी रिटन लाइक दिस, 25 रेसिप्रोकल को ना ऐसे लिखने का, 1/2 इक्वल टू x, हाँ कि नहीं बोलिए? और क्या हम 25 को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं बोलिए? हाफ हाफ कट गया, मतलब ये दो दो कट गया ना, x का आंसर क्या हो गया, 1/5 बन गया सम। देखिए रेसिप्रोकल को कैसे लिखने का था, सिखाए थे ना आपको स्टार्टिंग क्लास में। 1/ क्या हो गया, 25 पावर पॉजिटिव हो गया। अब देखिए 25 का स्क्वायर कर दिया गया, मतलब 25 को ब्रेक किया, कैसे किया, 5 का स्क्वायर, दो दो कट गया, आंसर क्या बच गया, 1/5, x का आंसर क्या हो गया, 1/5। उतारिए उतारिए, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्यों देखो जितना अब 40 तो सम्स हो गया, 40 सम्स 40 टाइप का, आप देखिएगा कोई भी सम्स सिमिलैरिटीज नहीं। अब आपको घर में रिवीजन करना होगा, अगर आप टाइम टू टाइम नहीं रिवीजन करते रहिएगा सब भूल जाइएगा, क्यों क्लास में सब किए हुए हो आप, लेकिन आपको उतना याद नहीं आएगा एग्जाम में, एज ए स्टूडेंट सोचो आप। तो इसीलिए आप प्लीज घर में रिवीजन मारते रहिए, इतना सारा सम्स है, कॉपी है, क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, घर में बैठ के प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसीलिए मैथ्स आपको हम पहले करा के कंप्लीट करा दे, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेगा, स्टैट्स क्या फॉर्मूला करते जाएंगे सम्स होते जाएगा। अब स्टैट्स में भी प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला याद करने का एक चैलेंज है, यहाँ पर वो चीज़ है, यहाँ पे क्या 40 सम 40 आ गया, वहाँ पे एक ही फॉर्मूला से सब सम्स बनेगा। तो यही दोनों में डिफरेंस है मैथ्स में और स्टैट्स में। आइए हम मिटा देखते हैं इसको, चलो लिख लिया था गाइस। अगला क्वेश्चन लिखिए, सीयू एग्जाम 2020 वाला, सीयू एग्जाम 2020 क्वेश्चन लिखिए। हम बोल रहे हैं इफ, क्वेश्चन नंबर 40, इफ लॉग, भाऊ बात नहीं देखे अभी भी एक दो बच्चे बात करे, लॉग 10 टू द पावर 2 इक्वल टू पी, देन फाइंड, निकाल के दिखाइए, लॉग 10 टू द पावर 5, लॉग 10 टू द पावर 2 इक्वल टू 5, चाबी सर, लॉग 10 टू द पावर 2 इक्वल टू पी, शाम को नहीं आई, अच्छा आज तो नहीं, आज शाम को नहीं, लॉग 10 टू द पावर 2 इक्वल टू पी, हेलमेट भी है ले जाएगा, log 10 to the power 2 equal to p, then find log 10 to the power 5. तो साइड दीजिए अंकित, ठीक है, नहीं नहीं बैठा मैंने ऐसे, ठीक है आइए अच्छे से जाइएगा, log 10 to the power 2 equal to p, then find log 10 to the power 5, बनाए क्या? अच्छा देखो इसका सोल्यूशन हम बोलेंगे आपको याद आएगा। आप हम लोग एक सम्स किए थे जहाँ पे log 5 का वैल्यू निकाल रहे थे, देखिए आपके लेवल में बेस का कोई वैल्यू है ही नहीं, आप लोग जिस लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर बेस का कोई यूज़ नहीं, और ये लॉग ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन समुद्र है, जितना सॉल्व करिएगा उतना ही कम है, सो खत्म ही नहीं है, कोई भी मैथ्स अपने आप में एक समुद्र है, जितना सॉल्व करिएगा आपको खत्म ही नहीं मन करेगा, और प्रैक्टिस करते और प्रैक्टिस करते। तो लॉग 10 टू द पावर 2 इक्वल टू पी, देन फाइंड लॉग 10 टू द पावर 5, आप बेस को भूल जाओ दो मिनट के लिए, क्योंकि ऐसे भी आपके लिए बेस का कोई यूज नहीं है। तो आपको निकालने क्या है बोलो, आपको निकालना है लॉग 5, लॉग 5 निकालना कैसे सिखाया था याद है, लॉग 10/2, yes or no guys? A log 10/2 can be written as log 10 minus log 2. A log 10 का मतलब क्या हो गया? Log लीजिए, base बढ़ा दीजिए 10. क्या base तो ऐसे भी 10 तो common base है, पढ़ाई था ना? सब में 10 बढ़ा सकते, कोई problem है क्या? Base 10 बढ़ा सकते, ऐसे भी बैठा हुआ था। अब log 10 to the power 10 का answer क्या होगा? 1.
माइनस लॉग 10 टू द पावर 2 का वैल्यू दिया हुआ क्या पी वन गैस सम्स उतारिए आंसर होगा 1 माइनस पी। जितना आपने सीखा है सारा नॉलेज यूज होगा आज, क्योंकि वो शुरू से आज तक जितना सीखे सब नॉलेज यूज हो रहा है। लॉग 5 कैसे निकालते थे टेस्ट में भी दिए थे बहुत पॉइंट वाला सम्स। हो गया अब समझ में। जैसे अगर आप मैथ्स में जाते हैं कि अच्छा मार्क्स लाना है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं। जैसे आज मान लिए 10 सम्स किए या 5 सम्स किए या 7 सम्स किए, आप घर में आके क्या किए, सम्स तो आपके सामने है, रफ कॉपी निकाले, सम्स को खुद से बनाए, जो बनाए देखिए जहाँ पे जाके फंस गए सॉल्यूशन से मिला है, सॉल्यूशन से अगर मिल गया तो सीखे, नहीं दिक्कत नहीं समझ आया बाय द वे वो लाइन की कैसे ये लाइन हो जा रहा, अगला दिन आके फिर पूछ लिए तभी आपको मैथ्स याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे सारा। क्लास में करने टाइम आपको कोई हाँ ठीक है ये तो हम लोग किए, नहीं आप भूल जाइएगा। प्लीज़ आप लोग घर में थोड़ा एफर्ट दीजिए, मैथ्स में एफर्ट देना होगा बाबू। 41 हो गया, लास्ट क्वेश्चन करने आ रहे लॉग के लिए, लॉग के लिए लास्ट खत्म हो जाएगा लॉग। आप कितना टानेंगे लॉग को, 5 क्लास हो गया लॉग। देखिए 40 कितना, 42 तो सम्स कर चुके लॉग में। इफ बात नहीं बाबू, लॉग एक्स टू दी पावर 8 इक्वल टू लॉग 4 टू दी पावर 64 फाइंड एक्स, एक्स निकालिए, एक्स से शुरू किए एक्स पे खत्म। इफ लॉग एक्स टू दी पावर 8 इक्वल टू लॉग 4 टू दी पावर 64 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये सीयू बीकॉम 2020 का क्वेश्चन है, ये भी सीयू एग्जाम 2020 में आया था। करे सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, बनाते बाबू लॉग एक्स टू दी पावर 8 इक्वल टू लॉग 4 टू दी पावर 64 प्लीज ध्यान दीजिए, नहीं तो पूरा पलक झपकोगे सम सॉल्व हो जाएगा। लॉग एक्स टू दी पावर 8 को अभी हम रहने देते हैं, लॉग 4 टू दी पावर 64 का कुछ स्कोप है, 4 का पावर 3 ऐसे कर सकते हैं ना बाबू, हाँ कि नहीं बोलिए। सिर्फ आप लोग देखना, जो लोग किए हो जो लोग नहीं किए हो आप प्लीज पहले प्रीवियस क्लासेस को कम्प्लीट करना। 3 को इधर कर सकते हैं ना बाबू, लॉग 4 टू दी पावर 4 बोलो हाँ कि नहीं, खाली हम कर रहे हैं आप बोलते जाइएगा हाँ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 3 की जगह 3 होगा हाँ कि नहीं, और ये पूरा का जगह क्या होगा 1, बहुत बढ़िया वंडरफुल। तो लॉग एक्स टू दी पावर क्या 8 ये कितना होगा 3, और इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व करना सिखाए थे स्टार्टिंग क्लासेस में, एक्स का पावर 3 इक्वल टू क्या बाबू 8, यस नो गाइस हाँ कि नहीं बोलिए। और x का पावर 3 और 2 का पावर 3, x का आंसर क्या होगा 2, उतार लीजिए बन गया सम। स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड क्लास में देखना ऐसे x सॉल्व करना सिखाए थे। थैंक यू गाइस। देखिए अब अगला क्लास में न्यू चैप्टर,